guys, how are you? Hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel, Modern Trading. Guys, कल की वीडियो में हमने ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करना सीखा था, ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करके ट्रेड करना सीखा था, प्रॉफिट गेन करना सीखा था. एंड गाइज, आज की इस वीडियो में हम मोमेंटम के बारे में बात करने वाले हैं. मोमेंटम ये पैटर्न क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हम इसको मार्केट चार्ट्स पर अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से हम इनको अप्लाई करके ट्रेड कर सकते हैं और किस तरह से हम ट्रेड करके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, सारी चीजों का आज हम कवर अप करने वाले हैं. तो गाइज, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से कहना चाहती हूं, अगर आप सभी ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक पर जाइए, हमारे वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ आप सभी को डेली कुछ ना कुछ फ्री शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिनको फॉलो करके आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं. एंड गाइज, अगर आप सभी ने क्यूटेक्स पर अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक पर जाइए, अकाउंट क्रिएट कीजिए. ओके, देन आप अपनी आईडी हमें सेंड कीजिए, आईडी कंफर्म करवा के डिपॉजिट कम्प्लीट करके आप वहां से द रिलायबल वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, जिसमें मोर शॉर्ट शॉर्ट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, उन श्योर शॉर्ट्स को फॉलो करके आप और ज्यादा अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं. ओके, सो वीडियो शुरू करते हैं. एंड ये मोमेंटम क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से अप्लाई करके हम ट्रेड कर सकते हैं, सारी चीजों को हम जानते हैं. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. आ चुकी हूँ यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन पर क्यूरेक्स के लाइव अकाउंट में, जिसमें आप सभी को अबव 52,400 डॉलर का लाइव बैलेंस शो हो रहा होगा, आप सब देख पा रहे हैं. ओके, एंड गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओके मोमेंटम इंडिकेटर के बारे में. ये मोमेंटम कैसे वर्क करता है, किस इसके क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं, किन किन चीज़ों को हम लर्न करके हम ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड करके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं. ओके, सारी चीज़ों को हम कवर अप करने वाले हैं. ओके, सो गाइड, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो फर्स्टली हम अगर यहाँ पर बात करें तो हम अपना इंडिकेटर जो है, जो हमेशा यूज़ करते हैं, ज़िगज़ैग इंडिकेटर वैल्यू 4.5 यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं. ओके, 4.5 कर लेंगे. अगेन मैंने यहाँ पर 12 सेकेंड वाले में 12 फिक्स कर रखी है, यहाँ पर हो जाएगा 4.5. ओके, यहाँ पर 12 फिक्स कर रखी है, यहाँ पर 3 बिल्कुल हमारी फिट है. ओके, परफेक्ट है. देन येलो कलर हमने यहाँ पर ज़िगज़ैग इंडिकेटर अप्लाई कर लिया है. ओके, देन जो कि हमें हर स्ट्रेटजीज, हर फंडामेंटल्स, हर एनालिसिस में हमारा वर्क करता है. ओके, देन यहाँ पर जो हम सेकेंड इंडिकेटर लेने वाले हैं वो हमारा है मोमेंटम. ओके, मोमेंटम हम इंडिकेटर अपना ले लेते हैं. ओके, वैल्यू हम यहाँ पर जो है 13 कर लेंगे. ओके, देन इसका कलर हम अगर ले लें येलो, जो हमें दूर से देखे. ओके, येलो कलर, हाँ ठीक है. ओके, देन इसका हमने येलो कलर ले लिया है. सो इस इंडिकेटर के बात बारे में बात करेंगे हम गाइस. फर्स्टली मैं बता दूं आपको कि ये जो हमारा आप देख रहे हैं ज़िगज़ैग इंडिकेटर लगा हुआ है. ओके, ये यूएसडी चार्ट पर लगा हुआ है, इस पर 85% प्रॉफिट रेट दे रहा है. ओके, और अभी जो टाइम हो रहा है, मैं आपको बता दूँ, इन्फॉर्म कर दूँ कि अभी लगभग रात के 11 बज रहे हैं, 11 PM का टाइम हो रहा है. ओके, सो मार्केट फिलहाल अभी आप देख रहे हैं कि अभी मार्केट हमारा साइडवेज चल रहा है. ओके, ये साइडवेज मार्केट होता है, आप देख रहे हैं. ओके, साइडवेज मार्केट गाइज थोड़ा सा रिस्की होता है ट्रेड करने के लिए. ओके, बहुत कम चांसेस होते हैं साइडवेज मार्केट में विनिंग के. ओके, फिलहाल तो मैं आपको यहाँ पर ट्रेड करके दिखाने वाली हूँ, मोमेंटम क्या होता है सब मैं समझाने वाली हूँ. तो गाइज, हम बात करते हैं मोमेंटम की, तो हम इसको यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं. ओके, देन ये हमारा मोमेंटम इंडिकेटर रहा. ओके, फर्स्ट पॉइंट गाइज, इसके लिए याद रखने वाली बात की ये हमारी इसमें जो अपर वाली लाइन है, ये लाइन. ओके, ये एक लाइन है, फर्स्ट लाइन, मिडल लाइन है, ये अपर वाली लाइन है, ये मिडल लाइन हो गई, ये हमारी डाउन लाइन. ओके, डाउनवर्ड लाइन. तो गाइस, इसमें हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली होती है, वो हमें अपने मिडल पॉइंट पर, मिडल लाइन पर फोकस करना होता है इस मोमेंटम में. ओके, मैंने आपको बोला था अभी कि ये भी हमारा साइडवेज मार्केट चल रहा है, मतलब अभी ना अपवर्ड है ना डाउनवर्ड है, अभी हमारा साइडवेज मार्केट चल रहा है. ओके, इसकी पहचान गाइज ये है कि हमारा अभी देखिए मिडल लाइन पर ही, ये देखिए दोनों इसके अपर पीक पॉइंट, डाउन पीक पॉइंट. ओके, सारे के सारे चीज़ें जो बिल्कुल मिडल पॉइंट पर चल रहे हैं, और ना ही अपवर्ड लाइन की तरफ भाग रहा है ना ही डाउनवर्ड की ओर जा रहा है, कंटिन्यू अभी साइडवेज जो मिडल पॉइंट है, मिडल लाइन है, उसी पर ही मूव कर रहा है. ओके, सो आप समझ सकते हैं इसे कहते हैं साइडवेज मार्केट. ओके, अगर मैं यहाँ पर इससे पहले की बात करूँ गाइज, तो ये हमारा आप देख सकते हैं
ये जो हमारी अपर पीक पॉइंट है ये हमारा अप ट्रेंड है, ओके। ये अप ट्रेंड है, यहाँ से जब हमारा अप लाइन को छूते हुए डाउनवर्ड आया देन ये हमारा डाउन ट्रेंड, ओके। देन ये मिडिल पॉइंट को टच करते हुए अगेन डाउन आया, तो मतलब यहाँ से मार्केट हमारा तेजी से गिरा, ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। तो ये एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, मैं आपको बता रही हूँ। अपवर्ड लाइन पर जब हमारा मार्केट अपवर्ड की तरफ जाता है, इस लाइन को टच कर लेता है, मूव आप जानते हैं गाइस, मूव करता है धीरे धीरे, ओके, स्लोली मूव करता है, मतलब जैसे कि यहाँ से मार्केट अपवर्ड की ओर इस लाइन को टच करता है, मतलब हमारा बहुत ज़्यादा मार्केट अपवर्ड की ओर जा चुका है, इस लाइन को टच कर चुका है, ओके। यहाँ से मार्केट हमारा ऑब्वियसली रिवर्स होगा, मूव लेगा, यहाँ से ट्रेंड हमारा बदलेगा, ओके। ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट के हमारे यहाँ पर अगर जैसे ये हमारा मार्केट ने ये पीक पॉइंट टच कर लिया, तो मतलब यहाँ से हमारा डेफिनेटली मार्केट डाउनवर्ड जाएगा, ओके। यहाँ मिडिल पॉइंट है, मतलब ऐसे टाइम पे हमें थोड़ा सा वेट करना है, ये देखना है कि यहाँ से मार्केट अगेन अपवर्ड की ओर रिवर्स जाएगा, या फिर यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है, ओके, ब्रेकआउट करता है, तो मतलब ब्रेकआउट करने के बाद इसका मतलब ये है कि मार्केट हमारा भी हमारा डाउनवर्ड जाएगा, ओके। ये चीज़ें कुछ समझने वाली होती है गाइज, ओके। डाउन पीक की बात करें तो गाइज मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, देखिए अगर ये हमारी डाउन लाइन है, ओके, ये हमारा डाउन पीक पॉइंट, अगर हमारा मार्केट डाउन लाइन को टच कर लेता है, देन यहाँ पर हमें ये समझना होता है कि यहाँ मार्केट हमारा बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड आ चुका है, यहाँ से हमारा ट्रेंड रिवर्स करेगा, मतलब अपवर्ड की ओर जाएगा, ओके। तो ऐसे चांसेस यहाँ पर रहते हैं कि यहाँ पर हम ट्रेड अपवर्ड की ओर प्रेस करेंगे, यहाँ पर या कहीं पर भी ट्रेड अपवर्ड की ओर प्रेस करेंगे, हमारी ट्रेड विन होकर के आएगी, ओके। मिडिल पॉइंट पर, मिडिल लाइन पर हमें ट्रेड करना रिस्की रहता है, क्योंकि वहाँ पर हम कुछ नहीं कह सकते कि मार्केट हमारा किस डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, ओके, तब तक जब तक ब्रेकआउट नहीं करता। सो मोमेंटम को आप समझ चुके होंगे गाइज, ये हमारी अपवर्ड लाइन है, ये मिडिल लाइन है, ये डाउनवर्ड लाइन है, हमारा मार्केट जिधर की अब गाइज यहाँ पर फ्लो कर रहा है या फिर यहाँ पर फ्लो कर रहा है, तो ट्रेंड को फॉलो करते हुए हमें ट्रेड प्रेस करनी है, ओके। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि ट्रेंड हमारा अपवर्ड की ओर चल रहा है, लेकिन हमारी जो मिडिल लाइन है, जो मिडिल में होती है, वो थोड़ी सी डाउनवर्ड आ चुकी है, ओके। मतलब अभी हमारा मार्केट जो है धीरे धीरे उतर रहा है, धीरे धीरे डाउनवर्ड जा रहा है, ओके। देन यहाँ से साइडवेज मार्केट साइड की ओर मूव कर रहा है, लेकिन अगर हम एक बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर टाइम की बात करें, तो लगभग 1 घंटे या 2 घंटे या आधे घंटे के चार्ट पर मार्केट हमारा कंटिन्यू डाउनवर्ड जा रहा है, ओके। इस चीज़ को मैं आप सभी को दिखा देती हूँ मार्केट चार्ट पर, ओके। सो आप ये देख रहे हैं कि अभी हमारा साइडवेज मार्केट कंटिन्यू मूव कर रहा है, ओके। साइडवेज मार्केट है, अभी हमारा कुछ भी नहीं कह सकते कि हमें किस तरफ ये मूव कर सकता है, ओके। देन यहाँ पर कल मैंने जो है आपको ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करना बताया था, ओके। देन आज मूवमेंट बता रही हूँ, देन कल की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फ्लैट टॉप एंड बॉटम इंडिकेटर के बारे में, ओके। सो यहाँ पर अगर वो वीडियो पहले अगर आप ये सीख लेते फ्लैट एंड बॉटम, तो यहाँ पर आप जानेंगे कि यहाँ पर फ्लैट टॉप एंड फ्लैट डाउन हमारा परफेक्ट इंडिकेटर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, ओके। सो फाइनली हम यहाँ पर इस मूव को देखेंगे, मूवमेंट हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा अभी जो मिडिल पॉइंट पर ये है, मिडिल पॉइंट आप देख रहे हैं कि ये हमें कुछ डाउनवर्ड की ओर इंडिकेट कर रहा है, ओके। मतलब हमारा अभी ट्रेंड जो है डाउनवर्ड की ओर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि मोमेंटम आपको दिख रहा होगा, मूवमेंट दिख रहा होगा, वो आपको डाउनवर्ड की ओर दिख रहा होगा, ओके। सो ऐसे टाइम पर हमें ट्रेड डाउनवर्ड की ओर प्रेस करनी है, मैं आपको प्रेस करके दिखाऊंगी भी, ओके। फिलहाल आप अभी इसके मोमेंटम को समझ लीजिए, मूव करता है गाइज मार्केट, उसके हमें ट्रेंड को पता करना होता है, उसके फ्लो को पता करना होता है, उसके डायरेक्शन को पता करना होता है, ओके। तो आप जैसे ही ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे, ट्रेड करना इजी हो जाएगा। मार्केट जो कि साइडवेज चल रहा है, तो थोड़ा सा रिस्की है, फिर भी मैं आप सभी को ट्रेड करके यहाँ पर दिखाऊंगी, ओके। देन हम अमाउंट यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं $400, ओके। $400 हम फिक्स करेंगे, देन यहाँ पर हम ट्रेड यहाँ पर फिक्स करेंगे, मोमेंटम अपवर्ड की ओर हुआ है, हम अपवर्ड की ओर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ से मिडिल पॉइंट टच करते हुए अपवर्ड की ओर जाएगा, होप सो, है ना। फिलहाल तो मार्केट फ्लक्चुएट है, वोलेटाइल है, हम कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है यहाँ से रिवर्स मार्केट ले ले, लेकिन चूंकि मोमेंटम है, फ्लो कर रहा है, फ्लो के अकॉर्डिंग हम अगर देखें, तो हमें लग रहा है कि मूव जो है अभी आगे के लिए ही करेगा, स्ट्रेट करेगा इधर के लिए, यहाँ से मूव कर सकता है, ओके। फिलहाल तो बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि 35 सेकंड्स का टाइम है, वेट करेंगे कि हमें स्ट्रेट का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, ओके। हमने $800 यहाँ पर इन्वेस्ट किए हुए हैं, और जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभी फ्लक्चुएट कर रहा है, इसलिए आप देख रहे हैं थोड़ा सा मोमेंटम जो है डिसबैलेंस हो रहा है। क्लोज पॉइंट पर है गाइज, देख रहे हैं कि अभी हमारे पास अबव 15 सेकंड्स हैं, और ट्रेड ने मोमेंटम ने मोड़ ले लिया है, ओके। फ्लक्चुएट मार्केट है गाइस, अच्छी खासी विन होकर के ट्रेड अच्छी खासी लॉस जा रही है, ओके। फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते, अभी ये ट्रेड हमारी लॉस है, हाँ जी लॉस है, ओके।
कोई नहीं गाइस, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट है गाइस, अब देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा ये शेडोज़ बन रहे हैं। शेडोज़ जितने ज़्यादा बनते हैं ये हमारी पहचान रहती है कि जितने ज़्यादा शेडोज़ बन रहे हैं उतना ज़्यादा मार्केट फ्लक्चुएट है, वोलेटाइल है। जितने कम शेडो बन रहे हैं उतना मार्केट हमारा अच्छा है, फ्लैट मार्केट है। ओके, फिलहाल तो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपना डबल करेंगे। ओके, $800 हम इन्वेस्ट करेंगे। ओके, देन 35 सेकेंड्स के बाद हम इन्वेस्ट करेंगे। ओके, थोड़ा सा वेट करना है। देन गाइज अभी हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि डाउनवर्ड की ओर जाएगा। ओके, यहाँ से हमारा मार्केट डाउनवर्ड की ओर जाते हुए ये जो एरो आपको दिख रहा है जिगजैग का इंडिकेशन यहाँ पर दिख रहा है, ये एरो यहाँ पर आके कुछ यहाँ पर इस तरह से जाते हुए यहाँ पर टकराएगा। ओके, सो ये इस तरह से कुछ वीकी शेप लेगा यहाँ पर आकर के। ओके, इसीलिए कुछ यहाँ पर ये डाउनवर्ड की ओर इंडिकेट हमें कर रहा है। ओके, यहाँ से हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, 7 सेकेंड्स, देन 5, मैंने यहाँ पे 4 ट्रेड प्लीज प्रेस की है डाउनवर्ड की ओर। फिलहाल तो मार्केट वैसा है तो हम कुछ नहीं कह सकते गाइस। ओके, तो हमने यहाँ पर $800 इन्वेस्ट किए हुए हैं। ओके, वेट करेंगे। पिछली बार हमारी ट्रेड अच्छी खासी विन जा करके लॉस हो गए, लेकिन इस ट्रेड का हम देखते हैं गाइस क्या हो सकता है। मार्केट फ्लक्चुएट कर ही रहा है। ओके, वेट करेंगे। 40 सेकेंड्स है अभी, पास कुछ भी नहीं कह सकते कि हमारी ये ट्रेड विन हो गई और लॉस, और मार्केट हमारे किस डायरेक्शन में जा सकता है। अभी फिलहाल ये अपॉर्ट की ओर इंडिकेट कर रहा है, लेकिन चूंकि फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा है कि 2 सेकेंड में मार्केट पता नहीं कब किधर पलट जाए। ओके, रिवर्स कर जाए कुछ नहीं कह सकते। सो 25 सेकेंड्स का टाइम है अभी हमारे पास, वेट करेंगे। ओके, इस मोमेंटम के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड यहाँ पर डाउनवर्ड प्रेस की थी। ओके, लेकिन अगेन मोमेंटम चेंज हो चुका है, साइडवेज मार्केट है, आप देख ही रहे हैं, और साइडवेज मार्केट पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता गाइस। तो ट्रेड हालांकि बहुत क्लोज पॉइंट पर है। ओके, देन ये ट्रेड हमारी विन होकर के आ रही है गाइस। ओके, सो मैंने कहा था आपसे ये ट्रेड हमारी विन होकर के आ गई है गाइस। ओके, सो हमारा लॉस कवर अप हो चुका है, हम अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके हैं। ओके, मैंने आपसे कहा था कि जब ये इंडिकेशन, ये येलो वाला ये एरो, ये यहाँ पर था, इस पॉइंट पर था, तो मैंने आपसे कहा था कि ये मार्केट हमारा कुछ डाउनवर्ड जाते हुए यहाँ पर ये यहाँ से मोड़ लेगा। ओके, तो गाइज मैंने कहा था कि एरो यहीं पर आएगा और यहाँ पर आ चुका है। फिलहाल तो हम यहाँ पर ट्रेड अपनी और प्रेस करेंगे, हालांकि लेट एंट्री है, मैं अगेन यहाँ पर 2 ट्रेड प्रेस कर रही हूँ, और देखते हैं कि हमें इस 2 ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। $800 मैंने अगेन इन्वेस्ट किए हुए हैं इसके मोमेंटम को देखते हुए। ओके, देन अभी हमारे पास अबव 30 सेकेंड्स हैं, 30 सेकेंड्स के बाद लेकिन गाइज मोमेंटम अगेन चेंज हो चुका है, मार्केट वोलाटाइल है। ओके, अगेन बहुत ज़्यादा क्लोज पॉइंट पर है। ओके, देन अगेन हमारी अच्छी खासी विनिंग आ चुकी है, और अभी हमारी, देखिए मैंने आपसे बोला था कि ये जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट पर हमें ये आइडिया लग जाता है कि मार्केट हमारा किस डायरेक्शन की हो जा सकता है। ओके, यहाँ से डाउन जा सकता है या फिर अपॉर्ट जा सकता है। ओके, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ट्रेड जो प्रेस की थी वो ट्रेड हमारी विनिंग में आ रही है। ओके, मैंने अगेन जो $800 की 2 ट्रेड्स प्रेस की थी, दोनों हमारी विन हो चुकी हैं। देन ये आप देख सकते हैं कुछ ट्रेडिंग हिस्ट्री। ओके, देन ये हमारी कंटिन्यू विनिंग है। अगेन यहाँ पर हम 2 ट्रेड प्रेस करेंगे। ओके, इन्वेस्टमेंट हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ओके, देन यहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट अभी हमारा और डाउन जा सकता है। देन इस कैंडल के बाद हम यहाँ पर 2 ट्रेड और प्रेस करेंगे मोमेंटम को जानने के लिए। देन अभी हमारे पास अबव 30 सेकेंड्स हैं, 30 सेकेंड्स के बाद हम यहाँ पर अगेन ट्रेड प्रेस करेंगे। तो गाइज इस मोमेंटम का जो मूव है वो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से हमारा मार्केट मूव करता है, किस तरह से हमारी कैंडल मूव करती है, कैसे फ्लो मूव करता है। ओके, सो थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क का इश्यू हो रहा है गाइज। ओके, देन हम 10 सेकेंड्स के बाद हम यहाँ पर ट्रेड प्रेस करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड मैंने डाउन की ओर डब प्रेस की है। ओके, एंट्री हालांकि गलत हुई है, 2 सेकंड डिले हुआ है गाइस, लेकिन वेट करेंगे कि हमें स्ट्रेट का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि मार्केट हमारा और अभी डाउन जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड प्रेस कर दी है डाउनवर्ड की ओर, लेकिन देखेंगे कि हमें स्ट्रेट का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। ओके, अबव 40 सेकेंड्स का टाइम है हमारे पास, मोमेंटम जो है थोड़ा सा चेंज हो चुका है। यहाँ से हमारा मुझे लग रहा है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कह सकते, मार्केट वोलाटाइल है, तो 2 सेकंड में भी मार्केट किधर का किधर भी जा सकता है। देन हम अगेन यहाँ पर $2000 हमारा लॉस है, हम इसको कवर करने के लिए मैंने 2 ट्रेड यहाँ पर अपॉर्ट की ओर इन्वेस्ट किए हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोमेंटम हमारा जो है वो इंडिकेट कर रहा है अपॉर्ट की ओर। ओके, उसी को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर अपॉर्ट की ओर ट्रेड प्रेस की है। ओके, देन देखते हैं कि हमें स्ट्रेट का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है।
ओके मोमेंटम के अकॉर्डिंग, इसी इंडिकेटर के अकॉर्डिंग, इसी के फंडामेंटल को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पर ट्रेड अपॉर्ड के लिए है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मार्केट कितना ज़्यादा वोलेटाइल है गाइज। ओके वेट करेंगे, बहुत ज़्यादा क्लोज पॉइंट पर है गाइज, आप देख सकते हैं। ओके द नेक्स्ट सेकेंड इधर या उधर हमारा कैंडल का रिजल्ट चेंज कर सकता है। ओके मुझे लग रहा है रिफंड होगी, लॉस गई है गाइज। ओके कोई नहीं, हम यहाँ पर अब अगेन मैंने यहाँ पर 8 ट्रेड गाइज मैंने डाली हुई है। ओके $800 मैंने इन्वेस्ट किए हुए हैं बॉर्ड की ओर, देखते हैं क्या होता है। ट्वेंटी फाइव सेकेंड से अभी हमारे पास गाइज, और आप देख ही रहे हैं कि जैसे जैसे मार्केट, जैसे जैसे ये एरो, ये लाइन मूव कर रही है, वैसे वैसे मार्केट मूव कर रहा है। ओके देन इससे ये फ्लो पता चल जाता है कि हमारा मार्केट किधर जा सकता है। ओके अभी अपॉर्ट की ओर आपको लग रहा है कि अपॉर्ट की ओर फ्लो करेगा, अपॉर्ट की ओर फ्लो कर रहा है, देन हमारा सारा लॉस कवर अप हो चुका है, हम अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके हैं। ओके सो ये ट्रेड गाइज हमारी अच्छी खासी विन हो चुकी है। सो होप तो आप सभी को ये अच्छा खासा मोमेंटम इंडिकेटर समझ में आया होगा, बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं। अब $6,000 अब हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। ओके सो अच्छे समझ में आ गया होगा आप सभी को मोमेंटम, और आज की ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को अप्लाई करके फॉलो करने वाले हैं, इसको अप्लाई करके ट्रेड करने वाले हो। ओके आप सभी ने देखा किस तरह से ये मोमेंटम इंडिकेटर किस तरह से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, मार्केट चार्ट्स पर किस तरह से अप्लाई करके हम इन पर ट्रेड कर सकते हैं, और ये क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, हमने सारी चीजों को कवर अप किया था। तो होप्स आप ये मोमेंटम मार्केट्स का चार्ट्स का मूवमेंट किस तरह से, आपको एक एक चीज सारी समझ में आई होंगी। होप्स वीडियो अच्छा लगा है, मोमेंटम समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये नॉलेज आपके दोस्तों तक भी पहुंचे तो आप इस वीडियो को उनके दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ओके एंड गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए मॉडर्न ट्रेडिंग को, ओके जिससे आप सभी को लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड गाइड मोस्ट ऑफ थिंग अपना एक वैल्यूएबल कमेंट हमें जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक वैल्यूएबल कमेंट हमें इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और अच्छा वर्क करने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल का कंटेंट रहेगा गाइज फ्लैट टॉप एंड बॉटम। ओके तो ये फ्लैट एंड टॉप एंड बॉटम किस तरह से वर्क करता है, इसको हम किस तरह से मार्केट चार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे हम इसको अप्लाई करके ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, सारी चीजों को कल की वीडियो में कवर करेंगे। ओके सो कल की वीडियो में मिस मत करिएगा। ओके तो मिलते हैं इसी कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।